सारे लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है जेके फ्लिप फ्लॉप की? नजर आ रही है, फ्लिप फ्लॉप्स जी बिल्कुल। अच्छा ये ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स जो थे वो स्टार्ट किए थे, तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहा होगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि फ्लिप फ्लॉप और जो लैच है उसके अंदर बुनियादी फर्क क्या होता है। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है कि लैच में और फ्लिप फ्लॉप में क्या बेसिक डिफरेंस है? जी कोई स्टूडेंट बता सकता है लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर लैचेस जो है लेवल ट्रिगर्ड होते हैं और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं एज ट्रिगर्ड होते हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, अगर आप स्लाइड सारे लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि लैचेस आर लेवल ट्रिगर्ड और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो एज ट्रिगर्ड हैं। ट्रिगर्ड का क्या मुराद से मतलब क्या है कि जो लैच है दोनों को हम क्लॉक सिग्नल देते हैं, ठीक है, तो जो लैच है उसकी वैल्यू, उसकी आउटपुट जब तक क्लॉक हाई है चेंज हो सकती है, यानी अगर इस दौरान उसकी इनपुट चेंज होगी और क्लॉक हाई है तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जब क्लॉक लो होगी तो अगर इनपुट चेंज होगी भी तो आउटपुट नहीं चेंज होगी, आउटपुट वही रहेगी जो पहले थी। तो लैचेस जो है वो जब क्लॉक हाई होती है तो तब वो यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि उसमें इनपुट जो है जब आप चेंज करते हैं तो आउटपुट पे इफेक्ट होता है किसी एक फेज में, यानी कि लैच जो है वो हाई फेज है, ये वाला हाई फेज है, इसमें क्लॉक जब हाई होती है तो वो आउटपुट चेंज होती है लेकिन लो में नहीं होती, और फिर कुछ लो फेज लैचेस होते हैं जिसमें क्लॉक जब लो होती है तो चेंज होती है लेकिन हाई में नहीं होती, तो किसी एक फेज में चेंज होता है, दोनों फेजेस में चेंज नहीं होता, लेकिन जब तो ये क्लॉक के लेवल को देखता है। अच्छा फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो बिल्कुल लैच की तरह होते हैं लेकिन वो क्लॉक के लेवल को नहीं देखते, वो क्लॉक की एज को देखते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्लॉक की राइजिंग एज है, ये वाली भी राइजिंग एज है और ये भी राइजिंग एज है, ठीक है। तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो सिर्फ इनपुट को देखता है इस राइजिंग एज के वक्त, इस राइजिंग एज पे अगर जो भी इनपुट होता है फिर वो आउटपुट पे कॉन्स्टेंट रहता है पूरे क्लॉक साइकिल के लिए टिल नेक्स्ट राइजिंग एज, और फिर नेक्स्ट राइजिंग एज पे वो फिर सैंपल करता है, ठीक है। तो समझ लें ये गेट की तरह है जो कि एक दरवाजा है जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुलता है और उसमें जो भी बंदा अंदर आ जाए आ जाए, उसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है और वो फिर घंटे के बाद वो फिर खुलता है थोड़ी देर के लिए और उसमें फिर अगला बंदा अंदर आ जाता है। तो लैच जो है वो इस तरह के, वो दरवाजा जो है वो घंटे में से आधे घंटे के लिए खुला रहता है और आधे घंटे के लिए बंद रहता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप्स भी इस तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज का मतलब ये है कि जब क्लॉक राइज कर रही है यानी जीरो से वन की तरफ जा रही है तो ये दरवाजा खुलेगा, और नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो कि जिसमें कि जब वो फॉल कर रही होती है एज तो तब दरवाजा खुलता है, ठीक है। सो सारे लोगों को क्लियर है कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स में क्या फर्क है? सर लैच ये जो उनसे एज है इसकी क्लियर है सर, लेवल वाला ऊपर वाला लैचेस वाला वो दोबारा करें। लैचेस नहीं, लैचेस में ये पूरे लेवल, ये जब तक क्लॉक हाई रहेगी ना ये लैच ओपन रहेगा, यानी इसका गेट ओपन रहेगा, दरवाजा ओपन रहेगा, तो डेटा इसमें से गुजर सकता है, ठीक है। जबकि फ्लिप फ्लॉप में दरवाजा सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुलेगा जब ये एज आएगी, बाकी वक्त ये दरवाजा बंद रहेगा। ओके सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने ये दो तीन मुख्तलिफ तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो पढ़े थे। अगेन इसके अंदर द आइडिया इज कि ये एज ट्रिगर्ड होने चाहिए। सो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले पढ़ा था वो था मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप जो है इसके अंदर हमारे पास दो डी लैचेस हैं, यानी ये लैच हम दोनों लेते हैं और इन दोनों को जो क्लॉक है वो इस तरह देते हैं कि पहले को क्लॉक एज इट इज आ जाती है और दूसरे को क्लॉक हम इन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है।
ये आपकी क्लॉक है और यहाँ पे इसका डेटा है और ये इसका क्यू आउटपुट है। तो इसका जब हम लोगों ने टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो जो पहले मास्टर है वो ओपन हो जाता है क्योंकि ये लैच है ना, तो वो क्लॉक जब हाई होती है तो तब वो ओपन होता है, तो उस वक्त डेटा यहाँ से ट्रेवल करके क्यू तक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये लो होता है, क्लॉक लो होती है, तो ये क्लोज हो जाता है और ये ओपन होता है, तो उस वक्त जो डेटा है जो यहाँ क्यू पे आया होता है वो इसके अंदर ट्रेवल करके आउटपुट पे आ जाता है। तो इफेक्टिवली क्या होता है कि डेटा जो भी इस एज के ऊपर, एक तरह से जो डेटा है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं खुले हुए, अगर एक खुला है तो दूसरा बंद है और दूसरा खुला है तो पहला बंद है, तो ये सिर्फ वो एज है जिसके ऊपर ये सॉर्ट ऑफ दोनों इस तरह ओपन होते हैं कि डेटा आपका आउटपुट पे अपीयर हो जाता है। तो ये क्यू है फॉर मास्टर और क्यू है फॉर स्लेव, और इस एज के ऊपर जो भी डेटा होगा, डी की जो भी वैल्यू इस एज के ऊपर होगी वो वैल्यू जो है वो आउटपुट पे प्रोपगेट हो जाती है। तो ये हमने सारा पढ़ा था। उसके बाद ये हमारा डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से ही काम करता है जिस तरह से कि मास्टर स्लेव काम करता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ये जहाँ पे इस तरह का सिंबल है इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, और जहाँ पे आपको ये बबल नजर आए तो इसका ये मतलब है कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले आखिरी फ्लिप फ्लॉप जो हम पढ़ रहे थे वो था जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप का ये सर्किट है, ये आपके सामने है। इसके अंदर एक हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, सो बेसिकली इट्स जस्ट अ डी फ्लिप फ्लॉप, और डी फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है वो इस सर्किट से आ रही है, ठीक है। और ये जो सर्किट है इसमें फीडबैक है, मसलन ये एंड गेट इस क्यू से एक इनपुट है और क्यू बार की यहाँ पे हमने फीडबैक दिया हुआ है, और इसकी दो इनपुट्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं जे, दूसरे को कहते हैं के, दो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार। और ये जो डेटा है डी, अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये आपका सर्किट है, दो एंड गेट्स हैं, एक और गेट है, तो इसका मुझे आप बुलियन फंक्शन लिख के दें, तो इसका जो बुलियन फंक्शन है वो ये बनेगा, डी विल बी इक्वल टू जे क्यू बार प्लस, यानी और क्यू बार के बार क्यू। ये आप सारे लोग जरा बनाएं, देखें कि ये यही बनता है, डी किसके इक्वल है जरा सर्किट पे देखें। ठीक है जी, सबने बना लिया। ये सर क्यू बार क्यों आया, के बार तो चलो यहाँ से आ रहा है ना सर, उसके आगे तो नॉट लगा हुआ है। जी सर, लेकिन क्यू बार क्यों है? क्यू बार, ये क्यू बार ये है, दिस इज क्यू बार, दिस इज क्यू, ठीक है ना। okay, तो ये बन गया जे क्यू बार और के बार क्यू, के बार क्यू, क्योंकि क्यू ये है और ये क्यू। सर ये जी, सर आपने उसकी नेगेटिव वाले की क्या बताई थी, उसकी पहचान, ये जो एरो बना हुआ है ये यानी नेगेटिव है? नहीं, ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ बबल होता ना एक ये बना, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता। यस, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। ओके, ठीक है। तो इसकी डी की इक्वेशन जो बन गई ना, वो ये बन गई जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो इस तरह है कि जे और के दो इसके इनपुट्स हैं,
क्यू और क्यू बार इसकी आउटपुट है, ये देखें क्यू बार के आगे भी बबल लगा हुआ है, तो जहाँ भी ऑपोजिट होती है वहाँ बबल लग जाता है। और ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पे क्योंकि कोई बबल नहीं है तो दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आपका जे के फ्लिप फ्लॉप बन गया। अब हमने तीन तरह के फ्लिप फ्लॉप स्टडी कर लिए, जे के, डी और उससे पहले जो मास्टर स्लेव था। अब हम लोग एक चौथा तरह का फ्लिप फ्लॉप स्टडी करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, टी से क्या बनता है? टी होता है टॉगल। डज एनीवन नो टॉगल का क्या मतलब होता है? टॉगल करना किसी चीज को, जी सर, वैल्यूज को इन्वर्ट करते रहते हैं जीरो और वन को। टॉगल करना होता है कि उसको वन को जीरो या जीरो को वन कर देना, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल में क्या होता है कि हम लोग ये करते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप में कि हम एक जे के फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, ये हमारे टिपिकल जे के, और जे और के को दोनों को टाई करके एक इनपुट बना देते हैं। इंस्टेड ऑफ दो डिफरेंट इनपुट्स होती, वी जस्ट मेक इट इनटू अ वन इनपुट। अच्छा, अब उससे जो है, यानी अगर हम इसकी देखें, D इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के क्यू बार, ये तो हमें पहले ही पता था कि ये जे के फ्लिप फ्लॉप की D की ये इक्वेशन होती है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं D इज इक्वल टू टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू, ठीक है? यानी J और K चूंकि सेम है ना, T है, तो J की जगह भी मैं T डाल दूंगा और K की जगह भी मैं T डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू, ठीक है? तो ये अगर आप देखें ए बी बार प्लस बी बार ए, ये एक्सक्लूसिव और फंक्शन बनता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी एक्सक्लूसिव और विद क्यू। सो टी एक्सक्लूसिव और विद क्यू, तो इस तो मैं इस तरह भी बना सकता हूँ कि मैं एक डी फ्लिप फ्लॉप लूँ और क्यू को एक्सक्लूसिव और गेट लगा के टी के साथ उसका एक्सक्लूसिव और बना दूँ। तो टी फ्लिप फ्लॉप बनाने के दो तरीके हैं, एक जे के है, अगर मेरे पास जे के फ्लिप फ्लॉप है तो मैं दोनों की इनपुट्स को टाई कर दूंगा तो भी वो टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, और अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप लूँ और उसको मैं कनेक्ट कर दूँ थ्रू एन एक्सक्लूसिव और गेट तो वो भी टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अच्छा, टी फ्लिप फ्लॉप की खास बात क्या है? टी फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें ये होता है कि आप हर दफा जो आउटपुट है वो अगर वन हो तो वो जीरो हो जाएगी, और अगर जीरो होगी तो वो वन हो जाएगी। इसको हम पहले करेक्टरिस्टिक टेबल से समझते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा चले, हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज कॉल्ड अ फ्लिप फ्लॉप करेक्टरिस्टिक टेबल। करेक्टरिस्टिक टेबल ये बताता है कि अगर आपकी इनपुट जीरो है तो आपकी आउटपुट नेक्स्ट स्टेट में क्या होगी। नेक्स्ट स्टेट से मुराद है कि जब क्लॉक साइकिल आएगा तो क्या होगी, और अगर आपकी इनपुट जीरो है तो क्या होगी, अगर वन है तो क्या होगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो सबसे आसान हमारा है ना करेक्टरिस्टिक टेबल, वो डी फ्लिप फ्लॉप का है। तो डी फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं, वो कहता है कि अगर डी को आपने जीरो दिया, ठीक है, और जब क्लॉक आएगी, क्लॉक की जब भी नेक्स्ट फॉलिंग एज या राइजिंग, ये पॉजिटिव एज है तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज जब भी आएगी क्लॉक की, ठीक है, तो क्यू क्या होगा? यानी ये क्यू टी प्लस वन लिखा हुआ है, यानी कि एट टाइम टी आपने डेटा अप्लाई किया तो टाइम टी प्लस वन यानी नेक्स्ट साइकिल में, ठीक है, आपकी क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी? तो वो कहता है क्यू जीरो हो जाएगा, यानी कि अगर आप जीरो देंगे डेटा पे तो क्यू पे जीरो आ जाएगा, और अगर आप वन देंगे इसको तो नेक्स्ट साइकिल में वन आ जाएगा। यानी ये क्या स्टोर करेगा, अगर आप इसको जीरो देंगे तो ये जीरो स्टोर कर लेगा, और अगर आप इसको वन देंगे तो ये वन स्टोर कर लेगा, इसीलिए इसको डी कहते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लिप फ्लॉप, तो ये डेटा को सेव करने के काम आता है।
आपने इसमें जो भी डेटा लिखवाना हो आप उसको डी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और जब क्लॉक एज जाती है तो वो क्यू में आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर इसके समझने लगे क्या क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा इलेबोरेट करें सर, इसकी वैल्यूज का पता नहीं लग रहा है कैसे आई है ये वैल्यू। ये डी फ्लिप फ्लॉप है ना, आपको डी फ्लिप फ्लॉप याद है? डी फ्लिप फ्लॉप करता क्या है? देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है वो ये बताता है आपको कि आप जब उसकी इनपुट पे कोई डेटा देते हैं तो आउटपुट के ऊपर क्या आता है, जिस तरह ट्रुथ टेबल होता है ना, ट्रुथ टेबल में आप बताते हैं कि अच्छा एंड गेट में अगर मैं 0 0 दूंगा तो आउटपुट के ऊपर 0 आएगा, यही करते हैं ना ट्रुथ टेबल में, ठीक है ना। और फिर मैं अगर उसको 0 1 दूंगा तो आउटपुट के ऊपर 0 ही आएगा, अगर मैं 1 0 दूंगा तो 0 आएगा, और अगर मैं 1 1 दूंगा तो 1 आएगा। ये हिसाब से आप एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं एक गेट का, ठीक है। तो समझ लीजिए ये ट्रुथ टेबल है एक फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप के और इसके ट्रुथ टेबल में फर्क ये होता है कि इसमें डेटा जैसे ही आप चेंज करते हैं आउटपुट चेंज हो जाती है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप के अंदर डेटा जब आप चेंज करते हैं तो आउटपुट T+1 पे चेंज होती है, यानी कि अगले साइकिल में जाके चेंज होती है, उसी वक्त वो चेंज नहीं होती, जब राइजिंग एज आती है तब वो चेंज होती है। तो बाकी ये एक ट्रुथ टेबल है कि अगर डी को मैं 0 देता हूं तो नेक्स्ट साइकिल में क्यू आउटपुट जो है इसकी वो 0 हो जाती है, अगर डी को मैं 1 देता हूं तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाती है। क्लियर हुआ? यस सर, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी, सेम होगी? बिल्कुल बिल्कुल, वही आउटपुट होगी एक साइकिल के बाद। ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक साइकिल के बाद, यानी जब राइजिंग एज आ जाएगी तो उसके फौरन बाद। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जैसे ही आप इनपुट चेंज करते हैं आपकी आउटपुट चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, जब तक के क्लॉक नहीं आती आउटपुट चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसको क्यू नहीं लिखते, क्यू T+1 लिखते हैं। ये T+1 हम लोगों ने इसलिए लिखा है। तो ये जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप है। इसको हम लोग मेमोरीज के अंदर और जो आपके रजिस्टर्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उसके अंदर बिट्स को सेव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हम एक बिट जो है वो सेव कर सकते हैं, 1 बिट। तो इस तरह के अगर मेरे पास 8 हो ना तो मैं 8 बिट डेटा सेव कर सकता हूँ, यानी कि कोई भी कैरेक्टर, आपको पता है इसकी कोड में 8 बिट्स होते हैं, तो वो 8 बिट्स इस तरह के 8 फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर सेव हो जाते हैं। तो ए आपने अगर सेव करना है तो आपको इस तरह के 8 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, तो ए आप सेव कर लेंगे। बी का कोड सेव करना है तो बी होगा। तो ये तो एक बिट जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग सेव कर सकते हैं, और जो भी 0 या 1 हो तो वही 0 और 1 इसके अंदर आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाए। तो ये है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। एनी अदर क्वेश्चन, कोई चीज़ जो समझ में आई हो? चले मुझे एक मिनट दें, मैं जरा अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। अब आपकी काफी टाइम हो गया स्टार्ट ऑफ क्लास, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आज है 2 जून। ठीक है जी, ये हो गई। अच्छा, नेक्स्ट वन जो करेक्टरिस्टिक टेबल है, समझ लें कि एक तरह का ट्रुथ टेबल है, वो है जेके का। तो डी में तो खाली एक ही इनपुट थी, तो इसलिए इसकी 2 ही एंट्रीज हो सकती थी, 0 या 1, ठीक है, इसके कोई और कॉम्बिनेशंस तो बनते नहीं थे। लेकिन अब हमारा है अगला जेके, ठीक है। तो इसके तो 2 इनपुट्स हैं, जे के और इसकी आउटपुट है क्यू, ठीक है। नॉर्मली हम आउटपुट सिर्फ क्यू को देखते हैं, क्यू बार को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि क्यू बार बस सिर्फ ऑपोजिट होती है क्यू के। तो क्यू पे 1 आता है तो क्यू बार पे 0 आ जाता है, उस पे 0 आता है तो क्यू बार पे 1 आ जाता है। तो हम क्यू बार को एक्सप्लिसिटली नहीं लिखते, बस हमें ये बात पता होती है कि जो भी क्यू की वैल्यू है इन्वर्ट होके वो क्यू बार के ऊपर आएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमने क्यू बार नहीं लिखा,
हमने सिर्फ क्यू लिखा क्योंकि अगर क्यू जीरो है तो क्यू बार वन होगा और ये वन है तो क्यू बार जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम सिर्फ इसकी आउटपुट क्यू देखेंगे, क्यू टी प्लस वन यानी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्यू की क्या वैल्यू होगी। तो जे और के हैं तो ऑब्वियसली जे और के चूंकि दो इनपुट्स हैं इसके चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन। तो अब हम देखते हैं कि जब हम जे और के को जीरो जीरो दें दोनों को यहाँ पे जीरो और जीरो दें ठीक है तो क्यू पे क्या आता है नेक्स्ट साइकिल। तो नेक्स्ट साइकिल में वो कहता है कि क्यू के ऊपर क्या आता है क्यू टी। टी क्यू ऑफ टी क्या है, क्यू ऑफ टी है क्यू की प्रीवियस वैल्यू, क्यू ऑफ टी प्लस वन क्या है क्यू की नेक्स्ट वैल्यू। तो वो ये कहता है कि जब आप इस पे जीरो जीरो देंगे तो इस पे क्यू ऑफ टी रहेगा यानी जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वही रिटेन हो जाएगी, यानी जो भी आपने इस पे लिखाया था ना वही रिटेन होगा। तो जीरो जीरो पे ये क्या करेगा, ये डेटा को रिटेन करके रखेगा यानी कि आपने जो भी इस पे लिखवाया था अगर क्यू प्रीवियस वैल्यू क्यू ऑफ टी की वन थी तो जीरो जीरो के ऊपर ये वन ही रहेगा, और अगर प्रीवियस वैल्यू जीरो थी तो जीरो जीरो के ऊपर ये जीरो रहेगा। तो ये जीरो जीरो पे वन भी दे सकता है, जीरो जीरो के ऊपर जीरो भी दे सकता है, और यही की डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट में। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जब आप जीरो जीरो देते हैं तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है या वन या जीरो और वो हर दफा वही होती है, लेकिन यहाँ पे हम ये लर्न कर रहे हैं कि जीरो जीरो के ऊपर आउटपुट वन भी हो सकती है और जीरो जीरो के ऊपर आउटपुट जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर प्रीवियसली जो है वो क्या राइट करा था, आपने उसके ऊपर प्रीवियसली क्या राइट करवाया था, ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्लियर है हर एक को की डिफरेंस। सर ये गेट्स से भी तो हम यही काम करते हैं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं सर फ्लिप फ्लॉप वगैरह, अगर गेट्स वगैरह से भी तो यही काम सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए। ये डेटा स्टोर करने असल में ये जो है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये गेट्स से ही बने हुए हैं ना, इनके अंदर तो सारे वही हैं एंड और गेट्स ही हैं। नहीं ओके सर, बस इसको एक डब्बे में हमने बंद कर दिया लेकिन इसके अंदर सारे वही गेट्स हैं, लेकिन उन गेट्स में डेटा स्टोर नहीं हो सकता उसके अंदर, तो आप जैसे ही इनपुट चेंज करते हैं आउटपुट चेंज हो जाती है। इसके अंदर यह है कि अगर आप चेंज भी करते हैं तो आउटपुट चेंज नहीं होती, ठीक है ना, आप इसमें स्टोरेज का एलिमेंट है ना इसके अंदर। देखिए ना ये जो है क्यू ऑफ टी ये क्या है प्रीवियस वैल्यू, यानी कि पहले जो आपने वैल्यू सेव करवाई थी ये वही वैल्यू रिटेन कर रहा है, चाहे वन सेव करवाया था तो आप इसको जीरो जीरो पे जब सेट कर देंगे ये प्रीवियस वैल्यू रखेगा चाहे 10 साल भी गुजर जाए इस पे जीरो ही रहेगा, और अगर आपने 1 लिखवाया था तो इस पे 10 साल गुजरने के बाद भी 1 ही रहेगा। ठीक है, यस सर। बाय द वे आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि 7 जून से यानी कि अगले मंडे से यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, हम आएंगे 50% हाजिरी के साथ ही जैसा पहले था, लेकिन मंडे से ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आप हाइब्रिड मोड में, हाइब्रिड मोड में ही है फिलहाल, तो हाइब्रिड में कल एनसीओसी का इजलास है 3 जून को, तो वो बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल है कुछ एक दो हफ्ते तो हाइब्रिड मोड ही रखेंगे, फिर अगर कोरोना ना बढ़ा हाइब्रिड मोड से तो फिर शायद हो सकता है कि 100% हाजिरी के साथ ही सारा कुछ खुल जाए, लेकिन ये है कि हाइब्रिड मोड में हम मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका लास्ट वीक है ऑनलाइन क्लासेस का। बिल्कुल सर, हम भी थक चुके हैं सर ऑनलाइन पढ़ के। हाँ, ऑनलाइन उस तरह समझ नहीं आता है जिस तरह क्लास के अंदर आप समझा सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है बिल्कुल। तो बस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मंडे से आप लोग कैंपस आना शुरू कर देंगे, तो बस ये हफ्ता है उसके बाद, लेकिन फिर पेपर भी आपका ऑन कैंपस ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। यस सर, अब हम चाहते हैं कि ऑन कैंपस ही हो, बेशक ऑनलाइन ही पढ़ाए तो, ताकि पता भी लगे कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। हाँ सर बिल्कुल, इस तरह तो जो भी बंदा चीटिंग कर लेता है उसके नंबर आ जाते हैं, जो नहीं करता बेचारा वो मारा जाता है। तो ठीक है, अच्छा
सो चलें हम लोग जेके को देख रहे थे. जेके में हमने कहा कि 0-0 पे वो प्रीवियस वैल्यू को ही रिटेन करेगा. अच्छा, अगर मैं 0-1 कर दूं, मतलब जे को मैं 0 करूं और के को मैं 1 करूं, ठीक है, तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 0. यानी कि ये एक तरह से हम इसको कहेंगे ये रीसेट स्टेट के अंदर चला जाएगा, या इसके अंदर हम एक तरह से 0 लिखवा देंगे, ठीक है. और अगर मैं जे 1 कर दूं और के को 0 कर दूं, तो हम इसको सेट कर देंगे फ्लिप फ्लॉप को. सेट का मतलब है, सेट क्या होता है, सेट का मतलब होता है फ्लिप फ्लॉप में हम 1 लिखवा देंगे, ठीक है. तो यानी कि बेसिकली जो भी हमने डेटा लिखवाना है ना, वो जे जे डिटरमिन करेगा. जे पे मैं 0 देता हूँ और के को 1 करता हूँ, तो इस पे 0 सेट हो जाता है. जे को मैं 1 देता हूँ और के को 0 करता हूँ, तो इस पे सॉरी उस पे 0 हो जाता है और इस पे 1 हो जाता है. तो जे की वैल्यू जो है वो ट्रांसफर हो जाती है आउटपुट के ऊपर. तो अगर मैं इसमें 0 सेव करवाना चाहता हूँ तो मैं 0-1 दूंगा. अगर मैं 1 सेव करवाना चाहता हूँ तो मैं 1-0 दूंगा. अच्छा, और अगर मैं जे और के दोनों को 1-1 दे दूँ किसी भी वजह से, तो 1-1 दे दूंगा, तो क्या होगा कि मेरी आउटपुट टॉगल हो जाएगी. यानी कि अगर प्रीवियसली उस पर 1 था, ठीक है, सेव हुआ बा, तो अब उसके ऊपर 0 सेव हो जाएगा. और अगर प्रीवियसली 0 था तो अब 1 सेव हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा. सो 1-1 के ऊपर ये टॉगल कर देगा आउटपुट को. 1 होगा तो 0, 0 होगा तो 1. तो अगेन ये भी आप देखें कॉम्बिनेशन सर्किट से मुख्तलिफ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट में 1-1 पे हमेशा एक ही वैल्यू होगी, लेकिन आपका जो जे के फ्लिप फ्लॉप है 1-1 पे 0 भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है. डिपेंड करता है कि उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या थी. तो ये है जे के का करेक्टरिस्टिक टेबल. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ठीक. सो जब हम फ्लिप फ्लॉप पे 0 लिखवाते हैं तो हम उसको वैसे कहते हैं कि ये रीसेट है. जब हम उसको 1 लिखवाते हैं तो हम कहते हैं सेट है. यहाँ पे भी 0 लिखवाया है तो रीसेट, 1 लिखवाया तो सेट. जी सर, इसका आउटपुट मीनिंग जे पे डिपेंड करेगा, जो हम जे को देंगे और उसका आउटपुट भी वैसा आएगा. हाँ, लेकिन साथ के को उसके ऑपोजिट भी देना होगा. ये नहीं कि के को भी आप कुछ ना करें. अगर आप जे पे 1 दे रहे हैं तो के 0 होना चाहिए, और अगर जे को 0 दे रहे हैं तो के को 1 होना चाहिए. अगर आप दोनों को सेम कर देंगे तो फिर ये टॉगल हो जाएगा. Okay, sir. अच्छा, तीसरा जो हमारा सर, जो सा हमने ये जे को 1 दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, ठीक है, और उसने आगे के को 0 दिया, के को 0 दिया है, तो आगे फिर 1 क्यों गया आंसर? क्योंकि जे 1 है. मैंने आपको बताया कि जे की वैल्यू ट्रांसमिट हो रही है. J 0 है तो ये 0 है, J 1 है तो ये 1 है. ओके सर, ठीक. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो टी था, टॉगल फ्लिप फ्लॉप. तो टॉगल की टी की भी सिर्फ एक ही इनपुट है, तो जाहिर है इसकी दो ही स्टेट्स हो सकती हैं. तो वो ये कहता है कि अगर आप टी को 0 करेंगे, टी विल बी 0, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस 1 क्या होगी? क्यू ऑफ टी. यानी कि जो भी प्रीवियस डेटा है वो वही रिटेन करके रखेगा. अगर प्रीवियसली आपने इसमें 1 लिखवाया था तो 1 ही रहेगा, अगर 0 लिखवाया था तो 0 रहेगा, जब तक कि आप टी को 0 पे रखेंगे. अच्छा, और अगर आप टी को 1 कर देंगे तो क्या करेगा? ये टॉगल कर जाएगा. 1 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा. तो डेटा ये भी सेव करेगा, लेकिन इसमें डेटा लिखवाने का तरीका क्या है कि आप इसको सिर्फ टॉगल कर सकते हैं. अगर 1 था और आप 0 करना चाहते हैं तो आप इसको टॉगल करेंगे, 0 है तो 1 है तो फिर आप इसको टॉगल करेंगे. तो 0 के ऊपर ये डेटा मेंटेन करता है और 1 के ऊपर डेटा को चेंज कर देता है. ये जे के 0-0 के ऊपर डेटा मेंटेन करता है, और डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो जो भी डेटा आपने दिया होता है बस वो उसको आउटपुट पे ले आता है. ठीक है जी, ये हो गया टी. एनी क्वेश्चन ऑन डी फ्लिप फ्लॉप? सर एक बस लास्ट क्वेश्चन, ये जो ब्रैकेट में टी लिखा हुआ है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये प्रीवियस स्टेट को, यानी t प्लस वन अगर दूसरा सेकंड है तो t जो है वो पहला सेकंड है। प्रीवियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीवियस स्टेट यानी कि जो इसमें पहले डेटा था ना, घंटा पहले जो था, तो मतलब ये घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टी जो है वो पहला घंटा है, टी प्लस वन जो है वो दूसरा घंटा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा दूसरे घंटे में क्या वैल्यू होगी, तो वो हम ये कह रहे हैं कि वो जो पहले घंटे में वैल्यू थी वही होगी दूसरे घंटे में भी। ओके सर, अच्छा अब हमने इनके सॉर्ट ऑफ ट्रुथ टेबल तो बना लिए थे तीनों के, टी के भी, जेके के भी और डी के भी। अब इन ट्रुथ टेबल के ऊपर हम सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी इन ट्रुथ टेबल की इक्वेशंस है। तो अगेन क्यू टी प्लस वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा घंटा, और वो कह रहे हैं दूसरे घंटे में उसकी क्या वैल्यू होगी, डी। जो भी आपने d की वैल्यू दी थी, बेसिकली d जीरो था तो ये जीरो है, ये वन था तो वन, तो हम लिख सकते हैं कि q t plus one is equal to d, ठीक है ना। अच्छा j k के केस में हम लिख सकते हैं कि q t plus one is equal to j q bar plus k bar q। ये आप इन चारों के हिसाब से अगर आप बनाएं तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसकी ये वाली इक्वेशन जो है ये बनेगी जे क्यू। ये हम पहले भी बना चुके हुए हैं सर्किट से। अगर मैं एक सेकंड, जब हमने ये जे के फ्लिप फ्लॉप का सर्किट बनाया था तो हमने ये सर्किट बनाया था, तो ये हमारे पास इससे ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे क्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, और ये जो टी फ्लिप फ्लॉप है इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी क्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू टी एक्सक्लूसिव ऑर विद क्यू। अच्छा व्हाट आई वांट, ये इक्वेशन चूंकि हमने बहुत ज्यादा यूज करनी है, सो सारे लोग अपने कॉपी पेंसिल निकालें और इनको लिख लें एक दफा। डी फ्लिप फ्लॉप की क्या है, ये डी की है, ये जे के की है और ये आपकी टी की है। सो राइट दिस डाउन फ्रॉम पेपर एंड पेंसिल बिकॉज वी विल बी यूजिंग देम अगेन एंड अगेन। तो सब लोग ये इक्वेशन जो है इसको जरा नोट डाउन करें, एक मिनट में आपको देता हूँ, पेपर पेंसिल लें और उसको लिख लें। लिख लें तो मुझे बता देंगे जी हमने लिख लिया। लिख लिया सर। ठीक है यार। सर ये लास्ट वाला जोन है, इसमें हमने एक्सक्लूसिव आर क्यों लगाया सर? यार अगेन मैं आपको ये प्रीवियस स्लाइड्स पे रेफर करता हूँ। ये देखें, ये डी फ्लिप फ्लॉप था, सॉरी जे के फ्लिप फ्लॉप था। इसके दोनों इनपुट्स को जब हम कनेक्ट कर देते ना एक इनपुट से, तो तब ये बन जाता है डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि जो हमारा है डेटा दैट इज इक्वल टू जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, ठीक है। ये जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए ऑब्वियसली ये इक्वेशन थी। तो इसके अंदर चूंकि जे और के टाइड एंड टूगेदर एंड दे आर टाइड टू टी, तो हमने जे की जगह टी सब्सटीट्यूट किया और के की जगह भी टी सब्सटीट्यूट किया, तो ये बन गया टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू। तो ये जो है ये एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये टी, इसको हम लिख सकते हैं टी एक्सक्लूसिव और विद क्यू, ओके। तो डी फ्लिप फ्लॉप के साथ हम एक्सक्लूसिव और गेट लगा दें तो वो टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, तो इसलिए ये
फिर हमने ये इसकी इक्वेशन बनाई है टी एक्सप्लोसिव और विद क्यू, ठीक है? बिल्कुल सर, ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को हम लोग पे बाकी थे। आपकी क्लास फ्राइडे को होती है ना अगली? यस सर। तो हम लोग कवर करेंगे और फिर मंडे से इंशाल्लाह ऑन कैंपस, ठीक है? अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हैं, कोई क्लैरिफिकेशन है तो पूछ लें, नहीं तो भी लैंड पर लेक्चर है। Looks like there are no questions. Okay, thank you, ji. Allah Hafiz. Okay, sir. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Okay. Allah Hafiz, sir.